कन्हैया नंबर एक में नशीले पदार्थों के तस्कर ने बीती रात नव निर्वाचित सरपंच के पति और एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। रीवा की चोरहटा पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। मारपीट से गुस्साए लोगों ने कन्हैया मंडी के पास जाम लगाया, जिससे पुलिस ने बमुश्किल खुलवाया। करहिया नंबर एक में नशीली पदार्थ के तस्करों ने बीती रात नव निर्वाचित सरपंच के पति और एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। रीवा की चोराटा पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। मारपीट से गुस्साए लोगों ने करहिया मंडी के पास जाम लगाया, जिसे पुलिस ने बामुश्किल खुलवाया। करहिया नंबर एक में लड़की की छेड़छाड़ को लेकर निर्विरोध चुनी गई सरपंच के पति और एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट। मारपीट पुलिस ने किया मामला दर्ज, घंटों जाम लगा। करहिया मंडी के पास बीती रात का है मामला। सरपंच पति और पुष्पेंद्र की माने तो गांव के ही कुछ लोग जो अवैध नशीली सिरप की तस्करी का काम किया करते हैं, ने उनके नजदीकी रिश्तेदार के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मना करने पर शराब की बोतल उनके सर पर मारी, उनके साथ जमकर मारपीट की। इस बात की जानकारी जब पुष्पेंद्र ने अभी हाल ही में नव निर्वाचित हुए निर्विरोध सरपंच के पति मुकेश रावत और भोले को इस बात की जानकारी दी और रिपोर्ट कराने की बात कही, दोनों रिपोर्ट कराने रीवा के चोराटा थाने जा रहे थे, तभी मारपीट करने वाले व्यक्तियों का फोन आया। उन्होंने समझौते की बात की, पूर्व सरपंच के ऑफिस पर समझौते की बातचीत करने की बात कही। दोनों लोग वहां पहुंचे, इसी दौरान मारपीट चालू हो गई। सरपंच पति और पुष्पेंद्र को जमकर पीटा, जिससे नाराज होकर गांव वालों ने करहिया मंडी के पास जाम लगा दिया। यह जाम घंटों लगा रहा, जिसे बामुश्किल चोराहटा पुलिस ने खुलवाया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। चोराहटा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट में घायल सरपंच के पति और दूसरे व्यक्ति का मेडिकल रीवा जिले के जिला अस्पताल में करा लिया गया है। पुलिस मारपीट करने वालों की तलाश में जुट गई है। आरोपी फिलहाल फरार हो गए हैं। इस बारे में हमने सरपंच के पति मुकेश और मारपीट में घायल पुष्पेंद्र के साथ ही चोराटा थाने के TI से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मुकेश रावत उर्फ भोले। क्या घटना हुई है? ये बुच्ची साहू है, विजय साहू उर्फ बुच्ची। ये बहुत बड़ा तस्कर है माहौल का, फोरेक्स बेचवाता है। उसके साथ एक और है, उसका नाम है कल्लू सिंह, सचेंद्र सिंह उर्फ कल्लू। तो इनका विवाद हुआ, ये है लल्ली साकेत हैं, इनका विवाद हुआ। तो ये लोग हमको बोले कि आप सरपंच साहब हैं, तो आप चलिए हमारी रिपोर्ट लिखवा दीजिए चोराटा थाना में। हम इनकी रिपोर्ट लिखवाने गए, तो जैसे ही थाना पहुँचे, उसके पहले वही विजय साहू बुच्ची का फ़ोन आया। उसने हमको बोला कि सरपंच साहब, आप रिपोर्ट मत लिखवाइए, FIR मत करवाइए, समझौता करवा दीजिए। तो हम कहें क्या समझौता करवा दें, कहीं हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलती हो गई। तो हमने ये बोले कि नहीं, वो समझौता ना करी वो मारी। फिर हम बोले ना, अपना हम बात मान ली, चलिए हम समझौता करवाए थे। अब जैसे गए बंद कराएगा ऑफिस, मतलब जो हमारे पूर्व सरपंच बबलू कुशवाहा, उनके ऑफिस में हम बुलाएं कि वहाँ आ जाओ, हम समझौता करवाए दे रहे हैं। और जैसे हम वहाँ पहुँचे, दो मिनट हुआ नहीं, बुच्ची साहू, विजय साहू उर्फ बुच्ची और ये सचिन सिंह कल्लू, कम से कम 25-30 लड़के लेके, मैंने मना करते करते इसको मारना शुरू करे, ऑफिस के अंदर घुस के। और हमने उनको मना किया तो पहले तो हमको मारे, वो खुद ही मारने लगे हमें। हमने जब जाना कि ये नहीं मानेंगे, तो मैं इसके ऊपर लेट गया, फिर भी हमको मारे। ये देखिए हाथ, यहाँ मेरा पैर इतना सूज आया। हा? क्या नाम है आपको? पुष्पेंद्र उर्फ लल्ली साकेत। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है, हम बगीचे में अपने करहिया नंबर पर बगीचे पर बैठे थे, तो वहीं चार लोग, हम बुच्ची कल्लू और ये मुकेश रावत, हम लल्ली साकेत बैठे थे। वहीं होगा, वैसे ही खाना पीना चल रहा था। वहाँ से हम लोग निकले तो वो हमारे चाचा की लड़की निकली, तो बुच्ची साहू ने बोला कि ये मेरी साली है। तो हमने बोला क्योंकि साली है आपकी, है ठीक है साली है। तो उसने बोला कि इसका नाम उमा है, ये चूमा देती है मेरे को। इतने में उसने मेरे सिर में दारू का बाटल, वही बाटल रखा था, सीधे बाटल मार दिया। अभी जाम लगा था, क्या घटना हुई? यहाँ गाँव में विवाद हुआ था,
उसी से आक्रोशित भीड़ सड़क पे आ गए थे, जिन्हें समझा दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज हो गई है और जो पीड़ित पक्ष है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनकी MLC हो गई है, डॉक्टरी है, इलाज चालू है लोगों का।